हर इंसान अपनी एक पहचान के साथ जीता है। ये पहचान भाषा, धर्म, जाति, लिंग, भूगोल किसी की भी हो सकती है। इसी पहचान के कारण अक्सर लोगों को कई तरह की यातनाओं और हिंसा से गुजरना पड़ता है। ISIS की बर्बरता की ढेरों कहानियां आपने सुनी और पढ़ी होंगी। गला रेतने का वीडियो हो या लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह बेचना। साल 2014 में आतंकी संगठन ISIS ने इराक में हजारों लोगों का सिर्फ इसलिए नरसंहार कर डाला क्योंकि वो यजीदी थे। ऐसी ही घटनाओं के बीच 16 साल की एक लड़की की भी कहानी निकलती है। जी हाँ, नादिया मुरीद की कहानी। ये कहानी है नादिया मुराद की, उन हजारों यजीदी स्त्रियों जैसे ही उनका जीवन 2014 में अचानक से बदल गया। उनके गाँव पर आतंकियों ने हमला किया क्योंकि वो आतंकी यजीदियों को नीच नास्तिक कहते थे। उनके हिसाब से यजीदी धर्म का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए और उनकी स्त्रियों पर कब्जा कर लेना चाहिए। ISIS ने न सिर्फ उस गांव के सारे परिवार का कत्ल कर दिया था बल्कि औरतों को बंधक बनाकर बेच दिया। लड़कियों से कई बार दुष्कर्म हुआ। भागने की कोशिश पकड़ी गई तो शरीर नोचा गया। नादिया मुराद ने न सिर्फ सभी मुश्किलों का सामना किया बल्कि हिम्मत और बहादुरी से मिसाल कायम करते हुए ISIS को चुनौती दी। दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल मंच से जब वो शेरनी दहाड़ती है तो ISIS के लड़ाके दुबक कर सिर्फ हाथ मलते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 पर। नादिया का जन्म इराक के सिंजर जिले के कोचो गांव में हुआ था। उस वक्त उनका परिवार खेती पर निर्भर था। थोड़ी सी जमीन थी जिसमें प्याज उगाते थे। प्याज की फसल और भेड़े पालकर परिवार चल रहा था। नादिया का सपना था कि स्कूल खत्म होने के बाद वो ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। अपनी किताब द लॉस्ट गर्ल में नादिया लिखती हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार तो करती थी लेकिन मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी। वो अपनी माँ की 11वीं संतान थी। इस बारे में वो लिखती हैं कि 11 बच्चे को जन्म देना काफी नहीं था, उन्हें हर बार प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा मेरी गर्भवती माँ से ये भी उम्मीद की जाती थी कि वो ईंधन की लकड़ी काट कर लाए, खेत में मदद करें, ट्रैक्टर चलाएं और प्रसव होने तक सब काम करते रहें। पूरे गांव में यजीदी समुदाय के लोग एक साथ रहते थे। साल 2014 की बात है, ISIS तेजी से इराक में घुस रहा था। अगस्त की गर्मी वाली वो रात थी जब ISIS ने हमला किया। गांव वाले हमले से पहले भागने वाले थे लेकिन इराक सरकार ने सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा का आश्वासन देकर रोक दिया था। गांव वालों ने सुरक्षा कर्मियों का खूब सत्कार किया। उन्हें यकीन था कि बंदूकें लेकर डटे सुरक्षा कर्मी ISIS के लड़ाकों को खदेड़ देंगे। लेकिन जब ISIS ने हमला किया तो इराकी सुरक्षा कर्मी ग्रामीणों को अकेला छोड़कर भाग गए। नादिया के गांव से जिन लड़कियों और महिलाओं को कैद किया गया था उन्हें एक बस से मोसुल भेजा जा रहा था। मोसुल शहर पहुंचने के बाद लड़कियों को बेच दिया गया। नादिया को एक अफसर को इनाम के तौर पर दे दिया गया। उसने धर्म परिवर्तन करके नादिया को अपनी सबाया बनाया। एक दिन उसके बंगले से नादिया ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ी गई। पहले तो अफसर ने चाबुक से नादिया को पीटा, फिर सजा के तौर पर घर के सुरक्षा कर्मी और नौकरों के हवाले कर दिया। उन्होंने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद नादिया को किसी और को बेचने के लिए दे दिया जहाँ उनकी बोली लगनी थी। वहीं एक कमरे में उनकी बहन, भतीजी, होने वाली भाभी, सहेलियां भी मिली। उनके साथ भी वैसा ही हुआ था जैसा नादिया के साथ। जब उनसे नादिया मिली तो एक दूसरे से लिपटकर सिर्फ रोती रही। सबने एक दूसरे को अपना दर्द बताया। नादिया जितने दिन भी आतंकियों के कब्जे में रही हर रोज सिर्फ भागने का सोचती। उन्होंने सोच लिया था कि इस नर्क से दूर होने के लिए अब हर जुल्म को सह सकती हूँ। एक दिन वो आया जब नादिया आतंकियों के चंगुल से भाग निकली। बसते बसते मोसुल के ही एक सुन्नी मुसलमान के घर पहुंची। उस परिवार ने उसे शरण दी, ये जानते हुए कि आतंकियों को पता चला तो पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। घर के मुखिया ने नादिया का नकली पहचान पत्र बनवाया, फिर अपने बेटे के साथ उनके एक भाई के घर तक छोड़ने की व्यवस्था की। इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले हर चेक पोस्ट पर नादिया की तस्वीर लगी थी। भागी हुई सबाया को ISIS के लड़ाके ढूंढ रहे थे। तमाम बाधाओं को पार करती हुई बहादुर लड़की आखिरकार इराक के कब्जे वाले क्षेत्र में पहुंच गई। इराक में तब गृह युद्ध की वजह से सुरक्षा कर्मी दो गुटों में बटे थे। कुर्द में जो भाग गए थे उनके विरोधी खेमे तक नादिया पहुंच चुकी थी। नादिया की कहानी को भुनाने के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने पूरा वीडियो राष्ट्रीय चैनल पर दिखा दिया, जबकि वीडियो बनाते वक्त चेहरा छिपाकर दिखाने का वादा किया गया था। अब जिसने नादिया की मदद की थी ISIS वाले उनके पीछे पड़ गए। नादिया का भाई भी डर गया। उसका डर इस्लामिक स्टेट से नहीं बल्कि अपने धर्म के लोगों से था।
यजीदियों में धर्म परिवर्तन या शादी से पहले सेक्स की मनाही है। किसी के साथ दुष्कर्म हो जाए तब भी वो परिवार या समाज उसे नहीं अपनाता। कई बार तो ऐसी लड़कियों की हत्या भी कर दी जाती थी। नादिया और उसके भाई को भी यही डर था। नादिया को फिर इराक के एक शरणार्थी शिविर में भेज दिया गया। वहाँ नादिया की तरह कई और यजीदी लड़कियाँ और उनके परिवार वाले थे। वहाँ कई डॉक्टरों को सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि लड़कियों के कुमार की सर्जरी कर सके। नादिया को भी ऐसा कराने के लिए ही कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यजीदी धर्म गुरुओं ने मिसाल पेश की। कई धर्म गुरु सार्वजनिक मंचों पर आए और बोले, धर्म कहता है कि धर्म परिवर्तन और सेक्स करने वाले लोगों का बहिष्कार हो। लेकिन इन लड़कियों ने ऐसा इच्छा से नहीं किया। ऐसे में इन्हें धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। फिर इस्लामिक स्टेट से मुक्त हुई लड़कियों को दोबारा से यजीदी समाज में सम्मान के साथ अपना लिया गया। बाद में नादिया जर्मनी चली गई। साल 2018 में नादिया को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के इस्तेमाल को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन क्या ये पुरस्कार नादिया को उनकी पिछली जिंदगी लौटा सकता था? नोबेल पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में नादिया ने कहा कि कोई भी अवार्ड हमारे लोगों और परिजनों को नहीं लौटा सकता जिन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वे यजीदी थे। नोबेल लेते हुए नादिया ने यह भी कहा कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी परंपरा और हमारे सम्मान को खत्म कर दिया गया। ये उनका साहस था जो उन्हें आतंकियों से बचा लाया। इतनी यातनाओं से गुजरने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने अपनी कहानी रखी। अपनी संस्था नादिया इनिशिएटिव के माध्यम से वह नरसंहार, सामूहिक हिंसा और मानव तस्करी की सर्वाइवर स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए काम करती है। नादिया कहती है कि मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मैंने जो महसूस किया मैं बस उसे क्रियान्वित करना चाहती हूँ। ये सब बीते जमाने की बातें नहीं हैं, इसी 21वीं शताब्दी में ये सब घटित हुआ। जब हम आधुनिक होने का दावा करते हैं उस समय धर्म के नाम पर लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। नादिया ने दुनिया के सामने अपनी कहानी सुनाई। जो उन्होंने भोगा है उसे कहते हुए स्मृतियां ताज़ा हो जाती है, जख्म फिर से उभर आते हैं। लेकिन नादिया कहती है कि ईमानदारी और सच्चाई से सुनाई गई कहानी मेरा सबसे बड़ा हथियार है जिसे मैंने आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया है। उन तमाम गुनहगारों को जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं मैं उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि इकलौता पुरस्कार जो उनके सम्मान को लौटा सकता है वो न्याय है। नादिया के सपने पूरे नहीं हुए, उनका घर उजड़ गया, अपनी जमीन से उन्हें जुदा होना पड़ा। दुनिया भर में इस तरह की हिंसा होती रही, अल्पसंख्यकों को मारा जाता रहा, स्त्रियों के साथ शारीरिक मानसिक हिंसा होती रही। नादिया किताब के आखिर में लिखती है कि मैं ऐसी कहानी सुनाने वाली आखिरी लड़की होना चाहती हूँ। अगर ऐसा होता है तभी वे न्याय मिलेगा, जिसकी बात नादिया करती है। ISIS से उनकी लड़ाई जारी है। कई बार धमकियां भी मिली लेकिन उनके कदम नहीं रुके। युद्ध में बंधक बनाई गई लड़कियों की आवाज हर मंच पर उठाती रहती है। नादिया का सफर अभी भी जारी है। ये थी नादिया की संघर्ष और हिम्मत से भरी कहानी। और अगर आपको भी ऐसे ही लोगों की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं एक अगली ही ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।